बिहार की राजनीति में सुर्खियों में रहने वाले पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में 500 से लेकर 5000 में मर्डर की सुपारी दी जाती है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर हुई बातचीत का भी राज खोल डाला है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव का आरोप है कि बिहार में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बालू और शराब माफिया हावी हो गए हैं, आए दिन हत्याएं हो रही हैं। पप्पू का कहना है कि बिहार में 500 से 5000 रुपए तक स्मैक पीने वाले लड़के मर्डर कर देते हैं। स्मैक का नशा तेजी से बिहार के युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर उन्होंने नीतीश कुमार से फोन पर बात की थी। उन्होंने कहा कि सीएम ने बातचीत के दौरान कहा कि आप दिनेश जी या दीपक बाबू से बात कर लीजिए। इसके साथ ही उन्होंने मुझसे कहा कि पप्पू जी आप तो सब जगह पहुंच जाते हैं। जाप अध्यक्ष ने कहा कि सीएम ने मेरी बातों पर संज्ञान लिया और कहा कि दिनेश बाबू को मैंने कह दिया है, आप बात कर लीजिए। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में बालू और शराब माफिया हावी हो चुके हैं। अगर आपने शराब माफिया के खिलाफ बोल दिया तो वे लोग या तो मर्डर करवा देंगे या फिर केस में फंसा देंगे, इसलिए डर से उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता। बिहार के 80% यूथ के हाथ में स्मैक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में हालत ये हो गई है कि अगर आपको पता है कि कौन से बेरोजगार युवक स्मैक लेता है तो बस उसे कुछ पैसे देने हैं और वह किसी का भी मर्डर करने को तैयार हो जाएगा। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।